दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जिन भाइयों को खूंडा कटड़ा चाहिए, दो दांत में फुल साइज चाहिए, ये देख सकते हैं कटड़ा जो है तैयार हो गया है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा कटड़ा निकला है दोस्तों। पेट का भी काफ़ी बढ़िया है। अब तो खैर ये जुताई कर रहा है कल्टीवेटर की, और जुताई जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और ये देख सकते हैं दो दांत कटड़ा है अभी, और अगले दांत तोड़े नहीं हैं, पूरा दो दांत है। और अभी कुछ दिन जो है शायद मुझे लगे चौथे दांत नहीं तोड़ेगा। और दोस्तों पैर वगैरह देख सकते हैं इसके, काफ़ी शरीफ कटड़ा है, भला सीधा चले चले। और दोस्तों चलने में भी काफ़ी बढ़िया है, चले। और दोस्तों बहुत कद भी इसका काफ़ी, दो दांत के हिसाब से काफ़ी कद है। और जिन भाइयों को खूंडा कटड़ा चाहिए, सीधा साधा खूंडा बढ़िया कटड़ा चाहिए जेवड़े का साफ, दोस्तों देख सकते हैं जो इसकी नाथ की नकेल है उसका सुराख भी बिल्कुल बढ़िया है, और सींग भी जो है इन्होंने इसके बढ़िया बनवा दिया, उंगली आराम से निकल रही है दोनों जगह से, और काफ़ी अच्छी बारीक नाथ पड़ी है दोस्तों। जेवड़ा का काफ़ी साफ है, चले 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 चले। जिन भाइयों को भारी भरगम कड़े पसंद हैं, वजन ढोने के लिए, कल्टीवेटर खिंचवाने के लिए, या मिट्टी का काम करना हो, गोबर की खाद ढोनी हो, या दूर का जंगल हो उनका, दूर के खेत हों, वो जो है संपर्क कर सकते हैं कटड़े के लिए। दोस्तों ये कटड़ा तो इन्होंने अपने घर के लिए रोक लिया, ये तो काफ़ी बिजली निकला कटड़ा, और जो है बहुत ज़्यादा जुताई कर रहा है दबा के ये कल्टीवेटर की। चले चले चले। और दोस्तों देखो ये घूम के सामने आने लगा है, अब ये पूरी तरह इनके परचाई में आ गया। और आप देख सकते हैं ऊपर हो जा, अरे ऊपर हो जा, बस बस बस, अरे डरना भूल गया, बस है, अरे मैं तो पैर दिखाने जा रहा था। दोस्तों देख सकते हैं किसी भी तरह से कोई सा भी कटड़े ने नेवर टच नहीं कर रखा, तेरा चला इलाज कर दूंगा, चले। दोस्तों ये जो कटड़ा है ये कन्नी लग चुका है, और पहले ये दो जगह जहाँ भी रहा है बहुत ही, मतलब मैं ये तो कह नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा इसे भुक्का मारा गया है, पर दोस्तों वहाँ जो है ज़्यादातर इसने हल्की खुराक में रहा है, जल्दी कन्नी भर गया, और इन्होंने इसे अपने घर के लिए रोक लिया है। और दोस्तों ये कटड़ा तैयार है, ये कटड़ा सेल में है, चले संपर्क कर सकते हैं जिन भाइयों को भी चाहिए, चले भारी भरगम कटड़े के लिए संपर्क कर सकते हैं। दो दांत में फुल साइज है, और चारों पैर बिल्कुल साफ हैं। दोस्तों देख सकते हैं जो कि आरजू ने लवारा लिया है गांव से, ये देख सकते हैं छोटा बच्चा है, बहुत ही शानदार लवारा बनेगा, बहुत अच्छे पैर रखता है निकाल के। रोक ले भाई, कितने दूर से ला रहा भाई? हम चलाया 2 किलोमीटर से वहाँ। दोस्तों देख सकते हैं भतीजा है हमारा, और ये गांव में ही था, निक्की के पास में था ना। दोस्तों ये देख सकते हैं बहुत ही शो क्वालिटी में पैर जाएंगे इसके, अभी नहीं बनवाना भाई खुरी, हाँ अभी छोटा है। और दोस्तों देख सकते हैं इसकी शारीरिक बनावट देख सकते हैं, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लवारों में लवारा ये तैयार होगा। ये सब नाथ जेवड़े तो तनी डाल लेके, पहले से नाथ नहीं थी ना नहीं। दोस्तों बिल्कुल भी ये किसी भी तरह से जेवड़ा बर्दाश्त नहीं करता है, उंगली नहीं लगवाता है शरीर के, बहुत ही प्यारा। एक बार उधर को चल लेके जरा सा, हल्का फुल्का मान रहा जेवड़े को? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नहीं मान रहा भाई, बहुत बढ़िया मान रहा। लिया लिया लिया, वापिस लिया, भाई पैर
पैर उठा के रखने का ढंग बहुत अच्छा कटड़े का, बाहर से लाता है खोल के और बिल्कुल दो है दोस्तों, बहुत ही मतलब ऐसे लवारे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जिनमें आगे से पीछे तक थूतड़ी से लेकर कोई कमी नहीं मिलती इनमें। ये देख सकते हैं आप, चेस्ट की बनावट बहुत अच्छी है अभी से और बहुत ही बढ़िया लवारा बनेगा अपने टाइम पे। अभी लगभग ये कितने दिनों का होगा? काफ़ी छोटा है दोस्तों। नाक नात में नकेल तो इसके लिए इसलिए डालनी पड़ी है हमें क्योंकि ये जो है संभालने में नहीं आ रहा था और नकेल डालने से थोड़ा हार भी गया दोस्तों। देख सकते हैं जैसे ये गले में इसे लेके आते थे बुग्गी के पीछे भी तो ये ज़्यादा झटके मारता था, ज़्यादा भागता था, कंट्रोल से बाहर हो जाता था ज़्यादा, तो इसलिए इन्हें इसकी नाक में नकेल डालनी पड़ी। पर अभी इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि इसके जो गले में ये कड़ा डाल रखा है गलतनी में और इसकी नात में जो है उससे झटका नहीं लगता दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, एक बार आरजू पकड़िए इसे, मैं कुछ दिखाना चाह रहा, पकड़ ले दोस्तों। ये देख सकते हैं आप जैसे ये इसकी नाक में नकेल डल रही है तो इन्होंने जो इसकी गले में गलतनी है, ये भी एक बारीक नात ही है थोड़ी, इसे ये इसका फर्स्ट नंबर की पड़ी है और ये सेकंड नंबर वाली है और इन्होंने कड़ा जो है इसमें डाला है तो ये एक तरह की असेंबली बनाई है और ये जेवड़ा इस तरह का है इसमें ये कड़ुली डल जाती है, ये कई कलर में आते हैं काफ़ी अच्छे। तो जैसे अगर ये झटका मार के भागेगा तो ये जो है सपोर्ट देगी और इसकी नाथ पे इतना जोर, नाथू पे जोर नहीं पड़ेगा और ये कटेगी नहीं दोस्तों। जो आरजू के जो पापा हैं जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, लाला भाई प्रदीप भाई जो हैं, वो काफ़ी अच्छे पुराने कूचवान हैं और इन्होंने काफ़ी बेहतरीन कड़े रखे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बारीक इसका शरीर है, बहुत ही बारीक चामनी का है, बहुत ही पतली खाल है इसकी और एक एक नस चमक रही है इसकी और बहुत ही अच्छा करा इसने भाई ने कि इसे देखते ही तुरंत ही खरीद लिया, नहीं तो ये जो लवारा था ये हाथों से निकल सकता था और बहुत ही बेहतरीन। और हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छे कटड़ों में कटड़ा बनेगा। हाँ दोस्तों अभी जुआ थोड़ी रखा, हाँ पहले इसे जो है गाँव के चारों तरफ के रास्ते दिखाओ और उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं अगले पिछले पैर बहुत ही बढ़िया तरह से रखता है और बिल्कुल जैसे राजस्थानी जो मारवाड़ी बधिया आती थी पहले उस तरह का शरीर है इसका। ले आ वापस ले आ दोस्तों। इन्होंने भी काफी लवारे तैयार करे हैं, बैल बछड़े कई कलर में इन्होंने बछड़े भी तैयार करे हिलाए और अब ये लवारा इनके पास है। इनके पास में एक काफी अच्छा अड़ियल भैंसा भी है जो लगे जो है कई कई फेरे कर देता है। तो आरजू अब तो आराम मिल गया होगा उसे? हाँ, अच्छा वैसे घुड़ा तो नहीं रहा? नहीं। अभी तो नहीं घुड़ाने का, पूरे चमास से उतर के आराम? हाँ हाँ नहीं आड़ हो रहा है काफ़ी दूर से। तो दोस्तों गांव में इसी तरह से हमारा टाइम जो है कटता है किसान भाइयों का कि अपना कुछ ना कुछ काम जोड़े रखते हैं खेती बाड़ी के साथ में। और दोस्तों हमारी तरफ से इसे ऑल द बेस्ट है, धमकाइए एक बार जरा सा। हड़का ही रखियो भाई, अभी बढ़िया बनेगा काफ़ी काफ़ी बढ़िया। चल अब छोड़ दे छोड़ दे। दोस्तों पारस का लवारा हांड के आ गया है घूम के, अभी ऐसे छोड़ देंगे। राम राम जी। दोस्तों अब ये इन्होंने फिट कर लिया है और भाई ये पिड्डा कहाँ का बना हुआ? अच्छा मवाना। दोस्तों मवाने का बना हुआ पिड्डा है और ये देख सकते हैं आप, जिससे ये बांस जो है ज्यादा पास में ना आए इसके लिए इन्होंने ऊपर पाइप लगवा रखा है। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप इस तरह का भी बना सकते हैं पिड्ढा। बहुत बढ़िया जी, वो देख सकते हैं अब लवारा जा रहा है बहुत बढ़िया तरह से, घुमा के लाया है, काफ़ी मेहनत कर लेते हैं ये भी पशुओं के साथ में।